तो गाड़ी यहाँ पर आ गई है क्योंकि आज हम लोग को निकलना है। जिया निकल रही है, क्रियांश अपने नानी घर जा रहा है। तो दादी जो है बउवा को लेकर के चली गई है नीचे और अब जो है हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। दादी के पास से फुकड़ी जा रहा है नानी घर। तो फिर यहाँ पर सभी लोग तैयार है जी, अब सीधा निकलते हैं। तो क्रियांश भी अब जा रहा है अपने नानी घर। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 2:30 और टाइमिंग दिखा रही है जी। हाँ मोबाइल में एक बार ऑन करना। हाँ जी, तो अभी हो रहा है 2:39 और अभी इस समय कुछ ऐसा हालत है तो हमारा जो गुगु है ये उठ गया है, है ना? उठ गया, उठ गया है बाबू, उठ गया है सवेरे सवेरे। हाँ मैं उठ गया। हाँ तो बेचारा जो है पूरी रात दर्द से एकदम कराया है सुई की वजह से। हाँ मुझे फीवर भी हो गया था पापा, बहुत चीबो हो गया था और मुझे दर्द भी हो रहा था बहुत ज्यादा। तो बहुत देर से यह जगा हुआ था और तो अभी चलकर थोड़ा सा माहौल लगता है इसका ठीक हुआ है, जो खेलने के मूड में है। हम लोग भी इसके साथ खेल रहे हैं उठ के, है ना? है ना मिस्टर बुग्गू? मिस्टर बुग्गू बोलो। मैं तो कब से बोल रहा था आप उठ जाओ लेकिन आप उठ ही नहीं देते। बहुत प्यार मार रहा आपको। अच्छा, तब आपको पता ही नहीं चल रहा था। पैर में घुसा घुसा के मार रहा था। वाह 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 वाह। एक बार और चिल्ला दो पापा को, तो एक बार और चिल्लाओ। नींद आ रही है इसको, चिल्ला दो बेटू एक बार पापा को, पापा नहीं सुन रहे। चिल्लाओ जी, चिल्लाओ ना, चिल्ला। पापा नहीं सुन रहे, एक बार और चिल्ला दो। तभी बज रहे हैं जी 8, कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं क्योंकि रात में जो बाबू थोड़ा अच्छा खासा देर जगाया है। और अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं बाबू हमारी तरफ ही देख रहे हैं। जब से क्रियांश आया है जी लाइफ में भागा दौड़ी कुछ ज्यादा ही हो गई है। एक तो अपना काम था और एक जो है बच्चे को संभालने का काम। जो भी पेरेंट्स होंगे हमारी स्थिति को जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। इन सब भागा दौड़ी के बीच में थी अपना जो है पर्सनल केयर जो है काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ऊपर से अभी मानसून का सीजन और मानसून के सीजन में जो अच्छा खासा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ऐसे में जी अपना जो हेयर केयर करना जो है काफी ज्यादा जरूरत हो जाता है और हेयर केयर करने के लिए मैंने मंगवाया हुआ है वो स्किन साइंस का हेम्प हेयर केयर रेंज। तो देख सकते हैं इस बॉक्स को, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। पहला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी वह है वो स्किन साइंस का हेम्प हेयर ऑयल। आपको करना क्या है, थोड़ा सा तेल जो अपने पाम पर ले लेना है, फिर इसको अपने हेयर पर अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करना है। यह जो प्रोडक्ट है जी यह एक लाइट वेट फास्ट एब्जॉर्बिंग नॉन ग्रीजी ऑयल है जो आपके बालों को मजबूत करता है और आपके डैमेज्ड हेयर को नरिश करता है। इट इज ए ब्लेंड ऑफ हेम्प ऑयल एंड विटामिन ई नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। और जी सबसे खास बात, इसमें 99.7% प्लांट वेस्ट इंग्रेडिएंट्स है। अगला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी वह है वो स्किन साइंस हेम शैम्पू। यह एक मॉइस्चराइजिंग और स्ट्रेंथनिंग शैम्पू है विद हेम सीड ऑयल विच हेल्प्स रिड्यूस सीबम बिल्डअप, मिनिमाइजेस ब्रेकेज, स्प्लिट इंस एंड फ्लेकिंग और कंसिस्टेंट यूज पर यह आपके वीक डैमेज्ड और केमिकली ट्रीटेड हेयर को रीस्टोर करने में मदद करता है। अगला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी वह है वो स्किन साइंस हेम कंडीशनर। यह एक स्ट्रेंथनिंग और स्मूथनिंग कंडीशनर है विद द गुडनेस ऑफ हेम सीड ऑयल, सी बटर एंड अर्गन ऑयल। यह आपके वीक डैमेज्ड और केमिकली ट्रीटेड हेयर को एक सॉफ्ट स्मूथ और ग्लॉसी फील देने में मदद करता है। इसको यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बाल जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और इसका जो फ्रेग्रेंस है जी काफी अच्छा है। और हाँ जी वॉक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है जैसे कि सिलिकॉन हो गया, पाराबीन हो गया, सल्फेट हो गया। तो हमने सभी प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए प्रोडक्ट को जाके ऑर्डर करिए। और हाँ जी बी वाओ नेचुरली। तो देख सकते हैं यह किधर देख रहा था। मिस्टर बुग्गा चॉकलेट खाना है बेटू को। मिस्टर बुग्गा बोले पापा मेरे लिए लेके आना। ओके चॉकलेट लेना है। चॉकलेट? हाँ चॉकलेट। अच्छा बोल दो सबको गुड मॉर्निंग राधे राधे। कुछ देर पहले यह रो रहा था और अभी थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, कब रोना स्टार्ट कर दे क्योंकि इंजेक्शन का प्रभाव अभी तक है। मतलब हल्का बॉडी गर्म है, रात में बहुत हो गया। फीवर का दवा दिए थे रात में इसको। ओए बाबू बाबू गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो
तो बाबू जो है अभी व्लॉगिंग कर रहा है, कैमरा की तरफ देख रहा है। बाबू बोलो। हेलो कैसे हो आप छम? कैसे हो आप छम? तो अभी चलते हैं जी पास के दुकान। घर में जो है आलू खत्म हो गया है, और आलू जब नहीं रहता है घर में तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा है, तो कम से कम आलू का भुजिया भी साथ में रहता है तो मजा आ जाता है। तो चलते हैं सीधे पास के दुकान। वहाँ तो बकरियों का सारा झुंड है, एकदम एक साथ चल रहा है। वहाँ पर लग रहा है कि हमारी ही गाड़ी आ रही है, गोलू लेकर के आ रहा है। तो यह गाड़ी क्यों आ रही है आपको बताएंगे। सामान जो है बाद में लेंगे, पहले गाड़ी वहाँ पर लगा हुआ है, वहीं पर लगे रहने देते हैं। अभी जो आपने कुछ देर पहले देखा कि हमारी गाड़ी आ रही है, हाँ जी, तो गाड़ी यहाँ पर आ गई है क्योंकि आज हम लोग को निकलना है। जिया निकल रही है, क्रियांश अपने नानी घर जा रहा है। और जी बात किया था कि जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे भागलपुर, लेकिन जिया के घर नहीं गए थे, घर के अंदर, क्योंकि पंडित जी ने जो है दिन नहीं दिया था हमें। तो फाइनली पंडित जी ने दिन दिखा दिया है और 5 तारीख का दिन बताया है उन्होंने, तो हम लोग जो है उसी समय चलेंगे। तो 5 तारीख को चलेंगे, जिया का एग्जाम भी है, जिया अपना एग्जाम दे देगी और उसके बाद जो अगला दिन है घर में पूजा भी है हुआ, तो पूजा भी अटेंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रुकेंगे और फिर आएंगे वापस। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मिर्च पाउडर चाहिए था 1 पैकेट। मिर्च पाउडर को कल ले गए। तो ले लिया जी सामान, और हमारे साली साहब वहाँ पर आ गए हैं, गाड़ी वही लेकर के आ रहा था। हमारी गाड़ी जो है साली साहब की यहाँ ही रहती है, सीधा चलते हैं। अभी बाबू के साथ जिया बैठी हुई है, जिया को भी पैकिंग करना है, उनको भी कुछ काम है निपटाना है, लेकिन इसके साथ जो है एक आदमी अभी रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अकेला रहता है अभी जो रोने लगता है ना, है ना बाबू? बस बीच में अगर ये सो जाए तो बड़ा काम बन जाए लेकिन अभी ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से सोया हुआ है। बस जोर से चिल्ला पापा जी ने दे दे। चुप चुप बाबा, मेरा बेटा जीतेगा। ठीक है, मेरा बेटा जीत गया। हाँ बल्ले बल्ले, जीत गया। हाँ जीत गया, आप हार गए। तो दादी जो है बुआ को लेकर के चली गई है नीचे, और अब जो है हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। सिर्फ मैं कर रही हूँ, आप नहीं? नहीं, हम भी बता रहे हैं ना कि ये चीज लेना है, वो चीज लेना है। आप क्या बताएं, आप क्या, आपको क्या क्या लेना है? और बताओ, पैकिंग के लिए हम सारा लिस्ट बना दिए थे कि नहीं? कल सब बताए, हम लिख दिए बस। झूठ का क्या, पूरा एक लिस्ट बना करके हम बताए कि ये सब लिख लेते हैं, याद आ रहा है, कल भूल जाएंगे तब। आप बस लिख दिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका कपड़ा भी हम ही खोज के ले रहे हैं। अच्छा क्या कहे, एक काम बचा हुआ है, हो नहीं पा रहा है वो चीज। सबसे बोल रहे हैं जाइए, आप जाइए, लेकिन आप जो है इधर उधर कर रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है, जाते हैं तब। तो जिया का तो नहाना हो गया जी, अब बारी है खाना खाने की, तो दोनों का खाना लग चुका है। मम्मी क्रियांश को लेकर के चली गई है नीचे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी सुविधा मिली, जिसकी वजह से हम लोग जो है नहा पाए हैं और अपना खाना खा। आप नहीं लाए, सिर्फ हमने। ये देखिए, भेद खुल गया, खत्म, सीधे एकदम यूट्यूब पर भेज देती है। ठीक है, तो जल्दी से खाते हैं, उसके बाद जाते हैं नहाने, बहुत तेज लग गई। तो जी हम नहा धो करके हो गए हैं तैयार, और अब इंतजार कर रहे हैं इसकी मम्मी के तैयार होने का। इसकी मम्मी को तो तैयार होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए तब तक इसको लेकर के घूम रहे हैं। इसको भी उसी अब रेडी करना होगा, कुछ देर में रेडी करेंगे। यह सो रहा था तो इसको डिस्टर्ब नहीं किए, और अभी तो क्रियांश को पता भी नहीं चल रहा होगा कि हम नानी घर जा रहे हैं। जब हम नानी घर जा रहे होते थे तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे, एक समय इसका भी समय आएगा, बोलेगा पापा नानी घर ले चलो। तो जिया भी जी तैयार हो चुकी है, अब बारी है बाबू को तैयार करने की। तो बाबू यहाँ पर सो रहा है, जो कि अच्छी बात है, तो कपड़ा जो है अभी अच्छे से पहनाने देगा ये, वरना इसको पहनाने में जो है बड़ी मशक्कत होती है। उठ जाएगा ये, कोशिश करो कि नहीं उठे, मजे में। पहले एक हाथ का खोलना, फिर दूसरे हाथ का। तो हमारा बाबू भी हो गया है जी तैयार, अब बारी है यहाँ से निकलने की, तो चलते हैं। क्रियांश चल रहा है अपने नानी घर, दादी के पास से कुकड़ी जा रहा है नानी घर। जब हम लोग भी नानी घर जा रहे होते थे बड़ा एक्साइटेड होते थे, कब चलेंगे नानी घर। इसको अभी बुद्धि कहाँ से आया है, इसको देखने लोग आएगा, ये थोड़ा भी किसी को देखने जा रहा है, अभी इसको देखने लोग आएगा। तो फिर चलते हैं जी, और गाड़ी लेकर के आ जाते हैं, और फिर सारा सामान चढ़ाते हैं और निकलते हैं। फिर वैसे ही काफी देर हो चुका है, हम लोग निकलने वाले थे आज दोपहर 12 बजे, लेकिन कुछ काम लग गया तो हम लोग थोड़ा सा डिले हो गया, अब चल रहे हैं 4 बजे के करीब।
तो हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर लगी हुई है जी, गोलू ने एक जगह ढूंढ निकाला तो चलते हैं गाड़ी लेकर के निकलते हैं। तो गाड़ी को तो यहाँ लगा दिया जी, तो सीधा चलते हैं ऊपर और जिया और बाबू को लेकर के आते हैं। तो फिर यहाँ पर सभी लोग तैयार हैं जी, अब सीधा निकलते हैं। तो क्रियांश भी अब जा रहा है अपने नानी घर। तो अब जो है दादी से मिलता है कुछ दिन बाद, फिलहाल जा रहा है यह नानी घर। यहाँ पर लिया जा रहा है जी खोइछा। हमारा जो बाबू है अपने नानी घर जो है पहली बार जाया जा रहा है, तो ऐसे नहीं जाया जाता है, खोइछा लेकर के जाया जाता है। तो वही प्रक्रिया जी उधर चल रही है। तो फिर अब ऐसा करते हैं जी, अब इस ब्लॉग को जो है यहीं पर खत्म करते हैं और हम लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अब सीधा पहुँचेंगे हम लोग क्रियांश के नानी घर, वहीं से आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो के जो चाचा है वह अभी इसको गोद लिए हुए हैं मिलेगा कुछ दिनों बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।